अभी मेरे सामने है ड्यूक 390 सिंगल सिलेंडर बीस्ट और ये BS6 वेरिएंट है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है लिटरली। और इसमें 12,000 तक अनलॉक हो गया है पावरट्रॉनिक लगाने के बाद। और दोनों साइड RC भी लगा हुआ है यहाँ पर और डबल डिस्क भी है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अभी मेरे सामने है ड्यूक 390 सिंगल सिलेंडर बीस्ट और ये BS6 वेरिएंट है। अभी अभी जस्ट मेरे फ्रेंड का है, मैं आज लाया हूँ इसे रिव्यू करने के लिए। थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हो रही थी, अभी देखो अभी मौसम क्लियर है, तो मौसम क्लियर ही चाहिए अपन को। एज यू कैन सी दिस इज़ द BS6 और 2023 मॉडल है ये। सो स्पेक्स का क्या बात करें, सो ऑलमोस्ट सब सेम है, बस इसका पहले वाले से कलर डिफरेंट है एंड इसमें क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लीपर बस एड ऑन से इसमें। और ये गाड़ी मेरे फ्रेंड का है स्वॉर्डन का एंड अभी रिसेंटली ये परचेस किया एंड अभी जस्ट कितना हुआ है 404 किलोमीटर्स चले हैं अभी तक और फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ है, एकदम स्टॉक गाड़ी है। सो एक बार देख लो लुक सब साइड से। तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो देख रहे हो नीचे से जा रहा है, हम लोग का तो BS4 से ये साइड से जाता था। इसका साउंड भी अलग है, साउंड एकदम थोड़ा सा स्मूथ हो गया है एंड इंजन भी काफ़ी स्मूथ हो गया है इसका एज़ कम्पेयर टू BS4। अभी इसमें बहुत सारे चीज़ भी कराने हैं, जैसे हमारा गाड़ी पे मॉडिफिकेशन किया हुआ है, पेंट वेंट स्टिकरिंग सब, तो वो सब भी कराएंगे इसमें। तो आज हम सोच रहे हैं कि इस पर टेल टैडी लगाएंगे। अभी हम जाएंगे टेल टैडी लगवाने, इस पर आपको राइड का भी रिव्यू दूंगा। सो अभी हम लोग खाली ग्राउंड पे एंड अभी रोड पे जाके टेस्ट करते हैं कैसा है पिकअप। वैसे तो अभी सर्विस नहीं हुआ है, एक्चुअल पावर सर्विस के बाद आता है, माइलेज भी उतना नहीं देता है अभी इसका। जब फर्स्ट सर्विस हो जाएगा उसके बाद अच्छे से टेस्ट करेंगे इसको। एंड अभी साथ में पिलियन स्वॉर्डन पीछे बैठा है तो उतना प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि कैसा खींच रहा है गाड़ी, फिर भी ड्यूक 390 खींचेगा ही भाई। तो एज कम्पेयर टू BS4 इसमें हल्का सा पावर कम है, बट उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप न्यू राइडर हो। अगर आपने BS4 चलाई हुई है तभी आप लोग को पता चलेगा इसका पावर डिफरेंस। तो हम आ गए रोड पे और सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है लिटरली, मतलब इतना स्मूथ है ना, एकदम आराम से BS4 लगता नहीं। BS4 में बहुत सारे वाइब्रेशंस भी आ गए हैं अभी तो, और वेदर का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी बारिश हो रहा है, कभी ऐसे बादल हो जा रहे हैं और कभी बहुत कड़कती धूप। और ये वाला रोड भी बहुत दिन के बाद आए हम, तो इधर भी थोड़ा चेंजेस हो गए। देखो ड्रम लग गए हैं, स्टॉप लिख दिया है और स्पीड लिमिट 40 कर दिया गया है। इस वाले रोड पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए शायद ऐसा हुआ। हमें क्या, हम तो अपने मस्ती में चलेंगे भाई, हम अपना सेफ्टी देख के चलेंगे। और भाई इसके एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इसके ब्रेक्स है ना भाई, एक्सीलेंट, मतलब आप कोई भी न्यू बाइक चलाओ उसमें ब्रेक्स बहुत मस्त लगते हैं। मारो, देखो भाई हम जा रहे थे इधर साइड और हमें मिल गया है डोमिनेटर और क्विक शिफ्टर एकदम मस्त काम कर रहा है इसका। एक बार दिखा देते क्विक शिफ्टर वाला सेटिंग, तो यहाँ पर वो क्विक शिफ्टर, इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो, अभी के लिए ऑन है। भाई ये बंदा इस गाड़ी के लिए बहुत वेट किया था स्वॉर्डन, और इसको थोड़ा हायर CC भी चाहिए था, वो भी आएगा कुछ दिनों के बाद, अभी के लिए 390 है। सो अभी हम जा रहे हैं इसका टेल टैडी लगाने, तो देखते हैं कौन सा लगाएंगे टेल टैडी। मैं तो प्रेफर करूँगा नॉर्मल ही, मैग्नेटिक वाले उतने स्टेबल नहीं रहते। इसका स्टॉक वाला टेल टैडी उतार दिया है हमने। और ये झंडे देख रहे हो, ये है सरूल का, तो परसों को सरूल है हमारा फेस्टिवल, आदिवासी फेस्टिवल, तो इसके लिए पूरा झंडा उंडा लगाया हुआ है, अभी पूरे रोड्स पे लगेंगे और उस दिन हम पहनेंगे अपना ट्रेडिशनल वाला क्लोथ्स। वेदर ऐसा रहे तो सही लगेगा, बस बारिश ना आए, बारिश से हमें सख्त नफरत है भाई। हमारा गाड़ी देखो, हम लोग इतना धो के निकलते हैं गाड़ी, वो वापस इधर बारिश में भींग के सब गंदा हो जाता है, और धोने में भाई मेहनत तो लगता है। मैं वैसे अपने से ही धोता हूँ वॉश, अपने से ही करता हूँ बाइक, क्योंकि मुझे अगर दूसरा अगर शॉप पे मैं करता हूँ वॉश तो परफेक्शन नहीं लगता है बाइक वॉश करने में, मतलब कहीं कहीं रह जाता है वैसा डस्ट वगैरह, ठीक से मतलब साफ़ नहीं हो पाता है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं अपने से साफ़ करता हूँ तो मुझे क्लीन लगता है, पता नहीं क्यों। और इसका गियर शिफ्ट भाई बहुत मस्त है, बहुत स्मूथ, देखो अप डाउन कर रहा हूँ मैं आराम से हो जा रहा है। इसका क्लच भाई बहुत स्मूथ है, सब स्मूथ लग रहा है।
ये स्मूथ तब तक रहेगा जब तक आप सर्विस एकदम टाइम पे रखो, तब तक सब सही रहेगा। और जहाँ आपने डिले किया, मतलब जहाँ आपका कुछ ख़राब हुआ और आप नहीं बनाओगे तो और बिगड़ता जाएगा वो। तो मौसम फिर से बिगड़ चुका है, अब लगता है आने वाली है बारिश। हेड लाइट है क्या? लाइटें नहीं है। अरे ये क्या हो गया? ये हमें क्या, हमारा तो नंबर प्लेट ही नहीं है, बाप का रोड है हमारा। निकलो पैन, चल, हमारा तो नंबर प्लेट ही नहीं है, चलान करो अब। लाइट का तो पता ही नहीं, ट्रैफिक लाइट का। भाई यहाँ ट्रैफिक लाइट जल नहीं रहे, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पार कर दिए सीधे। अरे भाई नीचे साइड जा रहा है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई, बहुत बहुत कम है, और छोटे छोटे पोर्टल्स और ये सब स्पीड ब्रेकर्स पे भी सट जाता है। हमारा BS4 है ना, वो ट्रिपल भी बैठा लो आप तो जल्दी सटेगा नहीं। सो हम पहुँच ही गए हैं गैरेज, और वेदर बहुत ख़राब हो गया है। आई होप बस बारिश ना आए, नहीं तो बहुत ख़राब होगा हम लोग के लिए। ऐसे मडगार्ड तो लगा हुआ है इस पे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वाले पे मडगार्ड नहीं था इसीलिए हम नहीं लाया गाड़ी। और देखो यहाँ पर पहले से ही है जस्ट का डेटोना। कहाँ पगला, कहाँ हाल चाल? देखो क्या हो रहा है, डेटोना का टायर चेंज, पिरेली रोसो, ये 200 सेक्शन है ना। अच्छा तो नए टायर्स डल रहे प्राइम डेटोना पे। तो अभी पानी आ रहा है और अभी टेल टैडी लगने वाला है, तो पगला लगा रहा है टेल टैडी, सिंपल बेसिक सा लगा रहे, मैग्नेटिक वाला तो है नहीं अभी। और देखो पीछे से पूरा खाली खोल दिए थे घर में हम लोग, तो नंबर प्लेट भी है हमारे पास बैग में रखे हुए। देखो भाई यहाँ तो अलग ही चल रहा है, कितना आरपीएम जा रहा है दिखाइए एक बार। साढ़े 10 जाता है ना हम लोग, और इसमें 12,000 तक अनलॉक हो गया है पावर ट्रॉनिक लगाने के बाद। अभी तो टेस्टिंग हो ही रहा है। देखो बॉक्स है इसका पावर ट्रॉनिक का भाई, और पावर 390 आरसी एक तो ऑलरेडी पावरफुल मशीन, और दोनों साइड आरसी भी लगा हुआ है यहाँ पर। देखो डिस्क भी दोनों साइड लगा हुआ है, और डबल डिस्क भी है वहाँ पर, पूरा मॉडिफिकेशन। सोनू भैया का चैनल में देख लीजिएगा। और इसमें है क्लच वाले पे भी हाइड्रोलिक्स। तो गाइस देखो नंबर प्लेट लग गया है, टेल टैडी भी बेसिक वाला, और साइड से ऐसा दिख रहा है, पीछे से उतना पता नहीं चल रहा है, बट हमें ऐसा ही चाहिए अंदर चिपका हुआ, तो ऐसे करा दिए। और अभी आगे भी रहेगा नंबर प्लेट, नट गिरते ही रहता है, तो एकदम अभी टाइट करवाएंगे पूरे अच्छे से नंबर प्लेट लगा के। चलो भाई अब नंबर प्लेट लग गया है एंड ट्रैफिक लगी हुई है बहुत भयंकर। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा कि इलेक्ट्रॉनिक लग रहा था RC390 में, सो हम भी एक बार सोचे थे कि अपने गाड़ी में भी लगाएंगे, बट फिर सोचे कि आप गाड़ी सेल कर रहे हैं तो अब क्या ही मॉडिफिकेशन करेंगे, इतना इनफ है हमारा, बिना पावरट्रॉनिक का भी सही है, पावरट्रॉनिक लगाने से और अच्छा है। तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ लगाते हुए पावरट्रॉनिक, पहले देखा नहीं था, वैसे बहुत कहीं लगाया है यहाँ पर अपने रांची में। अभी हम पहुँच गए सिरम टोली चौक, हमें भूख लग रही है थोड़ी, तो कुछ खाते हैं इधर, शेक वेक पियेंगे, एंड इसका की टैग भी लेना है, इसका चाबी में कुछ लगा हुआ नहीं है। सो हमने ले लिया की टैग, बेसिक कुछ खास नहीं मिला हमें, सो अब यही लगाएंगे। ओ की टैग लग गया है, ऑरेंज ऑरेंज एकदम KTM वाला लग रहा है, सेम मैच कर रहा है आगे से, और ये मैच कर रहा है इसका RPM वाला, और ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर है ना RPM वाले का,
बहुत सारे फ़ायदे भी है पावरट्रॉनिक लगाने के, जैसे आप टॉप स्पीड जल्दी निकल जाएगा उसमें, मतलब टॉप स्पीड थोड़ा इंक्रीज भी हो जाएगा और थोड़ा जल्दी भी निकलेगा, पिकअप बढ़ जाएगा। थोड़ा सा भगाया जाए इसको, मैं तो पहले ही 6 गियर डाल दिया। ओ भाई डार्क होते जा रहा है और गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम स्मूथ है और टायर इसमें मैं जलर के दिए हुए हैं, ठीक है ठाक ग्रिप है। यार थोड़ा भगाते हैं, वाह सही भाग रहा है, बट फर्स्ट सर्विस के बाद और भागेगा, ये तो कुछ भी नहीं था, स्मूथ पावर डिलीवरी। रात हो गए हैं भाई, व्हीली ट्राई किया जाए क्या? ओह भाई हो जा रहा है आराम से, मुझे ऐसा नहीं होगा, विल्ली भी हो जा रहा है इजी। पोल्स आ गई, पोल्स 30 में आराम से उठ जा रहा है, हाँ 30 में आराम से उठ जा रहा है। सेकंड गियर थोड़ा खींच के उठाना पड़ रहा है इसीलिए, नहीं तो फिर हमारे पे तो पावर है। अरे ये क्या हो रहा है, कांटे को देख रहे हो? माइक पकड़ लिया वो पोल्स आ गए पोल्स। अच्छा ट्रैफिक पुलिस बन गया ये स्पीकर। सो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।